लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हम कि फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, क्या कैसे वो चेंज हो रहा है। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था इंप्योरिटीज़ का, कि जब हम कोई इंप्योरिटी डालेंगे किसी पार्शली मिसेबल लिक्विड में तो उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। अब सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि क्या जब हम प्रेशर में कोई चेंज करेंगे तो उस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। पहली बात तो सुन लो कि एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुए थे 2023 में, उसके अंदर क्वेश्चन में, उसके अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ द प्रेशर इफेक्ट द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये डेफिनेटली आया था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ लें कि कैसे प्रेशर इफेक्ट करता है। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वेरीज विद प्रेशर वेरी, जब प्रेशर चेंज होगा तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी चेंज होगा। द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू लिक्विड जनरली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आप अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज के अंदर पढ़ लिया है कि क्या होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप वीडियोज दोबारा से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब हम नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो जो आउटर लेयर है ये आपका कोई सोल्यूशन है। इसके अंदर अब आपको डायग्राम देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी ये लिक्विड है उस सोल्यूशन, उस लिक्विड के पास दोनों बोथ लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी है एंड अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी है। क्योंकि अब आपको डायग्राम देख के क्लियर होना चाहिए कि क्या अगर बाई चांस इस तरह की कर्व होती इट हैविंग लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, अगर इस तरह की कर्व होती इट मीन्स इट हैव अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, बट इसके अंदर हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, इट मीन्स इसके पास लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी है अपर क्रिटिकल सोल्यूशन की भी है। अब यहाँ पे ये होता है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये होता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं पीछे जाके। अब देखो जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं एट हाई प्रेशर, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर यहाँ पर आ गया। और जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जब बढ़ा रहे हैं तब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बढ़ गया। इट मीन्स अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अपर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बट जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर आपका ये इफेक्ट हो रहा है। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो अगर और बढ़ाएंगे तो और ऐसे होगा, लोअर बढ़ेगा अपर कम होगा, मतलब धीरे 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 कर्व बहुत क्लोज्ड होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी। ठीक है, और आखिरी में एक ऐसा पॉइंट आएगा, इनफाइनाइट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इस हर एक जगह, वैसे जनरली होता क्या कि इसके अंदर कर्व के अंदर हमेशा दो जो लिक्विड होंगे वो आपस में मिसिबल नहीं होंगे बट बाहर मिसिबल होंगे, बट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आखिरी में कर्व बहुत छोटी सी रह जाएगी तो हर जगह आपके जो लिक्विड होंगे वो आपस में कम्प्लीटली मिसिबल होंगे, क्योंकि बहुत छोटा बहुत माइक्रो सी आपके पास ये कर्व बन जाएगी, आपका जो कंप्लीट सर्कल है बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस सर्कल के अंदर भी और बाहर भी आपके पास जो लिक्विड होंगे वो कम्प्लीटली मिसिबल होंगे। अब यही चीज़ है मैंने लिखी हुई है, मैं आपको लिखी हुई भी बता देता हूँ। द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विल डिक्रीज वेयर एज द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। यही है जो मैंने पीछे बताया था कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा लोअर इंक्रीज होगा, डायग्राम में मैंने बताया था। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट देर इज अ एरिया ऑफ क्लोज रिंग बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद इंक्रीज इन प्रेशर, अल्टीमेटली स्टेज रीचेस व्हेन अ एरिया ऑफ रिड्यूस टू अ पॉइंट एट द स्टेज टू लिक्विड आर कम्प्लीटली मिसिबल विद ईच अदर इन ऑल द प्रोपोर्शन फॉर्म अ सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, यही बात कही है मैंने कि छोटी होती जाएगी कर्व, एक छोटा सा धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, ऊपर वाला कम हो रहा है नीचे वाला बढ़ रहा है, एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा, फिर उस पॉइंट के अंदर और पॉइंट के बाहर हर जगह आपके पास जो सोल्यूशन होंगे वो कम्प्लीटली मिसिबल होंगे और एक सिंगल सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपने इतना सा लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।